नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में बाढ़ ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। गांव से लेकर शहर तक डूबने लगे हैं। मोतिहारी में भी बाढ़ से हाहाकार है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें पिपरा विधानसभा के चिंतामनपुर पंचायत के टिकुलिया गांव की है, जहां लखना टोला में लगभग 200 घर डूबे हुए हैं। 1200 लोगों के आशियाने पानी में डूबे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए, टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मोतिहारी के पिपरा विधानसभा की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ की चपेट में 200 घर है। देखिए तस्वीरें चिंतावनपुर पंचायत के टिकुलिया गांव के लखना टोला की है, जहां बिहार नवयुवक सेना के संस्थापक अध्यक्ष अनिकेत पांडे ने पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की सुविधा उपलब्ध करवाया है। साथ ही अनिकेत पांडे ने आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इन लोगों को किसी भी तरह के सरकारी मदद नहीं दिए जा रहे हैं। अपना घर छोड़कर वे लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं, क्योंकि उनका आशियाना डूब चुका है, लेकिन सरकार की ओर से खाने की भी सामग्री उन्हें नहीं दिया जा रहा है। और इस वजह से बिहार नवयुवक सेना अब उनके लिए बाढ़ ग्रस्त इलाकों में उतरी है और मदद उन तक पहुँचा रही है। आप सबसे पहले सुनिए अनिकेत पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। पिपरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जो टिकुलिया गाँव है, सीताकुंड, प्रसिद्ध सीताकुंड जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ के बगल का ये गांव का नज़ारा है, वार्ड नंबर 16, जहाँ पे 1200 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो प्रभावित हैं और गाछी में रह रहे हैं और खाने पीने का बड़ा दिक्कत है। उन लोग को खाने तक का नहीं है। CO साहब भी यहाँ नहीं पहुँचे, जिलाधिकारी की तरफ से भी कोई मदद नहीं आया और सांसद विधायक की तरफ से भी कोई मदद नहीं यहाँ पे आया है। लोग मरने की स्थिति में है। हम लोग यहाँ पे आए हैं, गर्दन भर पानी में घुस के पूरा चीज़ हम लोग देखे हैं। बहुत कष्ट में, बहुत तकलीफ में लोग रह रहा है, बहुत दिक्कत में लोग रह रहा है और आँख से आंसू निकल रहा है। लोगों का कष्ट और तकलीफ देख करके, मतलब हम लोग लोकतंत्र पे आज भी भरोसा करते हैं, आज भी विश्वास करते हैं, यहाँ के सत्ताधारियों पर आज भी विश्वास करते हैं। लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं, रैली करिए, वर्चुअल रैली के साथ साथ कुछ कुछ एक्चुअल चीज़ पर भी नज़र दीजिए। जितने भी TV रिपोर्टर हैं, जितने भी न्यूज़ मीडिया वाले हैं, जितने भी अखबार वाले हैं, जितने भी पत्रकार लोग हैं, सब लोगों का पैर छू के, हाथ जोड़ के हम लोग निवेदन करते हैं कि पिपरा विधानसभा क्षेत्र के लखना टोला का ये जो हाल है, गरीबी जो मरने की स्थिति पे आ गए, एक चिवड़ा मीठा तक लोगों को नहीं दिया गया है। कम से कम ये दुख दर्द कब तकलीफ जरूर अपना चैनल पर चलाइए, पूरा पूरा क्षेत्र का लोग आपका एहसान मंद रहेगा। तो मोतिहारी में बाढ़ ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। धनौती नदी का पानी अब पिपरा विधानसभा के चिंतामनपुर पंचायत के टिकुलिया लखना टोला में भी प्रवेश कर गई और वहां लगभग 200 घर बाढ़ की चपेट में है, डूब गए हैं। 1200 लोगों के आशियाने पानी में डूबे हैं और वे लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन सरकार की ओर से, किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से अब तक किसी भी तरह की मदद उन तक नहीं पहुंचाई गई है। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें, बाढ़ से जुड़ी हर खबर टुडे बिहार न्यूज़ पर लगातार जारी है। आप YouTube पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर Facebook पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।